अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और इट्स ऑफिशियल भाई, फाइनली डिसाइड हो गया और मैं अपना थर्ड हेयर ट्रांसप्लांट यहाँ पे तुर्की में कर रहा हूँ। ये जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मेरा कोई प्लान नहीं था, बल्कि उल्टा मेरा पिछले हफ्ते 7 8 दिन पहले मेरा रिटर्न फ्लाइट भी था दुबई को। तो अगर वो फ्लाइट मेरा हो जाता और मुझे कोविड ना होता तो शायद फिर मैं ये ट्रांसप्लांट नहीं हो पाता। लेकिन फिर चूंकि मैं रह गया यहाँ पे 8 10 दिन, मुझे सोचने का टाइम मिला, मुझे सर्च करने का टाइम मिला, मुझे और एक्सप्लोर करने का टाइम मिला और फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं ये थर्ड ट्रांसप्लांट करूँगा यहाँ पे तुर्की में। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे इस थर्ड हेयर ट्रांसप्लांट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मेरे अच्छा खासा रिजल्ट है अपने ये पिछले दो हेयर ट्रांसप्लांट से जो कि मैंने किया है, उससे मेरा ज़बरदस्त रिजल्ट है। बट चूंकि अभी मैं तुर्की में हूँ और तुर्की के हेयर ट्रांसप्लांट का आप लोगों को पता है, और मुझे यहाँ पर अभी ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मुझे मिल रहा है, तो मैं इसको इससे फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। फिर पता नहीं लाइफ में कब तुर्की आना होगा और कब यहाँ पे मतलब ये मौका फिर मुझे मिलेगा, तो इसलिए मैं इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। और इस बहाने आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा तुर्की के हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, एक्सपीरियंस क्या होता है, क्या रिज़ल्ट आ सकता है, मतलब क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या रिज़ल्ट आएगा, और यहाँ मतलब कौन सा डॉक्टर अच्छा है, कौन सा क्लिनिक अच्छा है। ऑफ कोर्स यहाँ पर तुर्की में मतलब चूज़ करना इजी काम नहीं है। ये तुर्की जो है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए फेमस है, यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर मौजूद है, तो इनके दरमियान में फिर चूज़ करना कि कहाँ से करें, ये भी डिफ़िकल्ट टास्क है। तो आप लोगों को आइडिया भी हो जाएगा, कॉस्टिंग का भी आइडिया हो जाएगा, क्या मतलब कितने तक हो सकता है तुर्की में। जैसे कि मैंने बोला, बहुत ज़्यादा हेयर ट्रांसप्लांट थे, मतलब जगह जगह पे आप जाओगे, आप वैसे विजिट के लिए आओगे, दिन में 50 60 लोगों को घूमते फिरते देखो कि हेयर सब ने हेयर ट्रांसप्लांट किया है, और जिससे पूछो सब कोई अलग ही नाम बताएगा। तो मैंने जितने भी हेयर ट्रांसप्लांट जितने पिछले साल किया है, उससे पिछले साल किया है, जो कर जिसने अली फ्रेश ट्रांसप्लांट किया, जिससे भी मैंने पूछा है कि आपने कहाँ से किया, सब ने कोई अलग ही डॉक्टर का नाम बताया है, और कोई बहुत चीप प्राइस बता देता है, कोई कहता है मैंने $500 में किया, कोई कहता है मैंने $2000 में किया, डिफरेंट प्राइसेस होते हैं। बट एट द एंड यू नो, इस मामले में हेयर ट्रांसप्लांट के मामले में पैसा इतना मतलब वो फिर नहीं होता, पैसा मतलब कम, मतलब इंसान पैसे को नहीं देखता, रिजल्ट को देखता है, क्योंकि इट्स अ मेजर सर्जरी। तो इसलिए मैंने जिस डॉक्टर को चूज़ किया है, मैंने बहुत सोच समझ के चूज़ किया है, और बेस्ड ऑन गूगल रिव्यूज़, बेस्ड ऑन मतलब पर्सनली जाके मैं मिला हूँ, तो इसलिए मैंने इसको चूज़ किया। और क्लिनिक का नाम है क्लिनिकाना, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, क्लिनिकाना नाम है उसका। और बेस्ट उसके रिजल्ट से बेस्ट, मतलब उसके बहुत हैप्पी क्लाइंट्स है और अच्छा मतलब उनका रिजल्ट है। आज जो है मेरा ये मुझे बुलाया है ब्लड टेस्ट के लिए और कोरोना टेस्ट के लिए। कोरोना टेस्ट वैसे मैंने परसों किया भी था, मेरा नेगेटिव आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी वो लोग भी अपनी तरफ से कोरोना टेस्ट करेंगे और ब्लड टेस्ट जो कि प्री सर्जरी जो कुछ टेस्ट होते हैं वो करेंगे। कल फिर मैं ट्रांसप्लांट कर ले जाऊँगा, बट ये सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा। सारा वीडियो बहुत लेंथी जाने वाली है, बट आप लोग कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में तुर्की के हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में हो जाएगा। और एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहता हूँ, ये जो मेरा थर्ड हेयर ट्रांसप्लांट है, ये कोई ऐसा बड़ा मेजर हेयर ट्रांसप्लांट नहीं होगा मेरे पिछले दो हेयर ट्रांसप्लांट की तरह, कि जिस पे मतलब मैं कोई 4000 ग्राफ्ट लगाऊं या फिर कोई मेरा सर पूरा हेयर ट्रांसप्लांट से वो भर दे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी दो हेयर ट्रांसप्लांट किए हुए हैं और अच्छा खासा, जिसके आप लोगों को देख रहा है, मेरा अच्छा खासा रिजल्ट है। जो मेन रीज़न है मेरा हेयर ट्रांसप्लांट का, वो ये कि जो मेरे अभी नेचुरल हेयर फॉल हो रहा है, मेरे जो नेचुरल बाल उसमें अभी तक रहते थे और उसका हेयर फॉल हो रहा था, और उसकी वजह से मेरी डेंसिटी कम हो गई है। एक चीज़ अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं मेंशन कर दूँ, पिछली वीडियो से एक कुछ गलत आइडिया कुछ दोस्तों ने लिया कि जो मैंने बोला मेरा हेयर फॉल हो रहा है, और वो भाई क्लियरली मैं बताना चाहता हूँ, मेरे जो ट्रांसप्लांटेड बाल है वो नहीं गिर रहे, मेरे बिल्कुल भी ट्रांसप्लांटेड बाल नहीं गिर रहे। मेरा जो हेयर फॉल होता है वो बहुत ही बारीक बाल होता है, जो कि टेम्परेरी बाल है। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वो मेरे टेम्परेरी बाल है जो कि गिर रहे हैं। ट्रांसप्लांटेड बालों के बारे में मेरा कोई कंप्लेन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़बरदस्त हेयर लाइन है, बेस्ट। बट जो मैं अभी थर्ड हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ, उसमें जो मेरा जो नेचुरल हेयर है जो गिर गया है, उसकी वजह से मेरी जो डेंसिटी कम हो गई है। मैं जस्ट इस हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से अपनी डेंसिटी फुल करना चाहता हूँ, और जो यहाँ पर मेरा थोड़ा बहुत मतलब ये स्पेशली इस जगह पर जो हेयर थोड़ी सी डेंसिटी कम हुई है, वो मैं इसके साथ थर्ड हेयर ट्रांसप्लांट के साथ फिल करना चाहता हूँ। तो ये दिस इज़ द मेन रीज़न मैं ये थर्ड हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ। इस तरह नहीं कि मैं कोई अपने पिछले हेयर ट्रांसप्लांट से खुश नहीं हूँ या फिर इस तरह कुछ वजह, वो बेस्ट है। और अभी इंशाल्लाह मैं इस तुर्की का एक्सपीरियंस करूँगा और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा। Thank you.
क्वेश्चंस भी हो गए, सब हर चीज़ डिटेल में पूछ रहे, यहाँ तक कि ये भी पूछा कि ऑपरेशन के दिन में क्या खाओगे, चिकन खाओगे या वेजिटेरियन हो या फिर बीफ खाओगे। तो सब कुछ डिटेल में सारे क्वेश्चन भी हो गए, ब्लड टेस्ट भी हो गया। अभी आई थिंक डॉक्टर के साथ मुलाकात होगा और फिर कल आएंगे हम ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए। हाँ तो भाई सब कुछ डन हो गया और ये जो पीछे आपको दिख रहा है ये एक्चुअली हॉस्पिटल है। डॉक्टर के साथ मुलाकात भी हो गई और ब्लड टेस्ट भी हो गया, इवन मेडिसिन भी दिया, सारा सब कुछ हो गया क्लियर। अभी कल 7 बजे में आऊँगा और सारा प्रोसीजर होगा और इंशाल्लाह हम कल से स्टार्ट दे रहेंगे। आज के लिए ये बहुत कुछ था और दोबारा हम फिर कंटिन्यू करेंगे इसी वीडियो में, सेपरेट वीडियो नहीं बना रहे, पूरे ट्रांसप्लांट को मैं एक वीडियो में कवर करना चाहता हूँ। अच्छा तो ये भी अर्ली मॉर्निंग 6:30 है और 7 बजे मेरी सर्जरी है, अर्ली मॉर्निंग बुलाया है। तो कल एक तो ये हुआ कि ब्लड टेस्ट हुआ, फिर एक जो लेडी थी उसने मुझे कम्प्लीटली समझाया कि क्या करना है, आने से पहले क्या करना है और ट्रांसप्लांट के बाद क्या करना है। दवाइयाँ मुझे सारी दी, जो पूरा पैकेट दिया उसमें, वो सोने का तकिया दिया कि कैसे सोना है बाद में। फिर उसके बाद गया मैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर के साथ मेरा जो डिटेल और अच्छी गुफ्तगु हुई वो ये थी कि एक सर का, उसने जब मेरे बालों का मुआयना किया और सारा देखा तो फिर उसने मुझसे क्वेश्चन किया कि आप पूरा सर गंजा करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप पूरा सर गंजा करोगे तो अच्छे डेंसिटी हम लगा देंगे और अगर नहीं करोगे तो कम लगा देंगे। शायद ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो शायद इनको बोलते होंगे कि सर मुझे नहीं गंजा करना, आई डोंट नो फॉर सम रीज़न। तो उनके फिर ऑफकोर्स फिर उनके पास लिमिटेड हो जाते हैं, फिर उधर ही लगाएंगे जहाँ से उन सिर्फ आगे आगे से पल हटाए थे। मैंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, सारा गंजा करो तो लगा दो। दूसरी बात यह कि फिर उनसे मैंने क्वेश्चन किया कि क्या एक ट्रांसप्लांट काफ़ी है या फिर कई ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा तीसरा ट्रांसप्लांट हो गया। तो उसका आंसर जो उसने ये किया कि किसी किसी के लिए मतलब एक ट्रांसप्लांट इन शॉर्ट काफ़ी नहीं होता। एक ट्रांसप्लांट से आपके बाल तो आ जाते हैं बट डेंसिटी वो नहीं हो सकती, क्योंकि ये भी लिमिटेड होते, ये इतने ज़्यादा ग्राफ्ट पीसेस नहीं लगा निकाल सकते, 4,000-5,000 मैक्सिमम लगा निकाल सकते, उससे ज़्यादा कैरे हम नहीं निकाल सकते। तो एक मरतबा में इतने लगा कि वो पूरी डेंसिटी उससे आ ही नहीं सकती, मतलब पूरा इतना घने बाल नहीं है। तो उसके लिए आपको फिर दूसरा, अगर आपके डोनर एरिया सही हो तो दूसरा तीसरा आपको करना पड़ेगा। तो ये एक बात हुई। दूसरी बात ये कि मैंने क्वेश्चन ये किया कि बेस्ट टाइम कौन सा है ट्रांसप्लांट के लिए, क्योंकि देखो ऑफकोर्स मैंने उस टाइम पे किया जब मेरे यहाँ पे नेचुरल हेयर थे, और मैंने कहा वो बेस्ट टाइम है कि जैसे हेयर फॉल शुरू हो जाए या फिर बेस्ट टाइम ये है कंप्लीट बंदा गंजा हो जाए। तो उस पर भी डॉक्टर ने मुझे बताया कि हाँ इसका मतलब कम्प्लीटली एक रूल नहीं बना सकते कि एक बंदे के एक फिक्स रूल कि हाँ जैसे ही मतलब 20-22 साल का हो जाए हेयर फॉल शुरू हो जाए तो उसको करा दो, या फिर जैसे ही हेयर पूरा गंजा हो जाए तो करा दो। हर बंदे का अपना अलग अलग केस होता है और वो चेकअप के बाद पता चलता है। किसी किसी के इस तरह होते जैसे हेयर फॉल शुरू हो जाए और ट्रांसप्लांट से वो सही हो सकता है, किसी किसी का ये कि हम उसको कह रहे बोलते कि आप वेट कर दो जब तक आपके सारे बाल ना गिर जाए उसके बाद फिर हम कराएंगे। और बिलीव मी उन्होंने मुझे भी ये बोला कि आप वेट करो, आपके अभी और बाल गिरेंगे। और आपके यहाँ पर उन्होंने मुझे जो कम्प्लीटली कंप्यूटर से पड़ा हुआ था और डिटेल में वो देख रहे थे, तो पीछे के बाल आगे के बाल कम्प्लीट देखने के बाद उसने मुझे फर्स्ट डे पे भी मुझे बोला था और कल भी मुझे बोला था कि अगर आप वेट करोगे आपके अभी यहाँ से काफ़ी बाल गिरने वाले हैं, जो कि नेचुरल बाल है, ट्रांसप्लांटेड नहीं, वो बहुत पतले लग रहे थे मैंने कंप्यूटर पे देखा। तो कह रहे ये सारे गिरेंगे, तो जब ये सारे गिर जाएंगे तो हमारे पास बहुत सारी जगह होगी, तो हम फिर अब आपके लगाएंगे बाल तो बहुत घने आपके लगा देंगे। लेकिन जो कि मैंने उनको बोल दिया नहीं अभी जितना भी लगा सकते हो अभी लगा दो, अभी क्योंकि अभी मैं आया हूँ तुर्की, बाद में पता नहीं कब आऊँगा या नहीं होगा, फिर चौथे ट्रांसप्लांट का मौका मिला या ना मिले, हो सकता है यही मेरे लिए इनफ हो जाए। तो मैंने कहा बस अभी लगा दो, क्योंकि मेरे जितने भी अगर ये खाली एरिया है या फिर जहाँ पर डेंसिटी कम है, मैंने कहा यहाँ पर बस लगा दो। तो ये 2-3 बातें हुई जो कि कल बहुत यूज़फुल थी और इससे मेरा माइंड भी क्लियर हो गया। अभी मैं जा रहा हूँ और सर्जरी का टाइम हो रहा है मेरा। बाय द वे मुझे कुछ गोलियाँ दी और मुझे बोला कि खाली पेट नहीं आना, कम्प्लीटली थोड़ा बहुत कुछ खाना है, और एक गोली दी कि वो पे खाने से आधे घंटे पहले खानी है, वो तो मैंने खा लिया अभी। आई डोंट नो किस लिए, पेट को नरम करने के लिए, सख्त करने के लिए, मुझे नहीं पता, बट जो भी है कुछ पेट को लेके कुछ उसका काम है गोली का। एनीवे अभी जाके सर्जरी है, मैं वहाँ जाके शूट करेंगे, दिखाऊंगा मैं आप लोगों को क्या सीन है, आगे देखते हैं।
और बाय द वे एक और चीज़ जिसका मुझे पता चला है, और वो ये कि जो क्लिनिकाना है ये एक्चुअली बहुत बड़ा क्लिनिक है, लेकिन ये जो तकसीम के अंदर जो हॉस्पिटल है, अभी आपको स्क्रीन पे ये नाम नज़र आ रहा होगा, इस हॉस्पिटल के साथ इनकी मतलब कुछ वो है, शराकत दारी है, जो भी है, हॉस्पिटल ने इनको जगह दिया हुआ है और मतलब ये दोनों साथ में काम करते हैं। तो जब आप हॉस्पिटल में जाते हो, जब आप क्लिनिकाना सर्च करते हो तो गूगल आपको इस हॉस्पिटल में लेके जाएगा, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचते हो आपको क्लिनिकाना का बड़ा नाम नज़र नहीं आएगा, हॉस्पिटल का नाम नज़र आएगा। लेकिन जब आप रिसेप्शन पे बोलो कि मैं क्लिनिकाना का बंदा हूँ, तो आपको फ़र्स्ट फ्लोर पे भेज देंगे जहाँ अपने जहाँ जाना हो। तो मैं भी फर्स्ट गूगल मैप पे गया, मैंने कहा यार ये क्लिनिकाना इतना फेमस है कैसे इनका नाम नहीं, लेकिन वो एक्चुअली ये हॉस्पिटल ही क्लिनिकाना है। तो ये क्लियर करने वाली चीज़ थी। वेलकम बैक। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं नेक्स्ट डे ट्रांसप्लांट के लिए जा रहा हूँ, बट इस तरह नहीं है। एक्चुअली दरमियान में 5-6 दिन गुजर गए, और उसका रीज़न ये है कि मैं नेक्स्ट जगह था ट्रांसप्लांट के लिए, सर्जरी के लिए, जो मैंने आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर की, वीडियो जो मैंने बनाई, ये ब्लड टेस्ट वगैरह सब कुछ किया, ये मैंने किया, और नेक्स्ट डे मेरी सर्जरी थी। अब नेक्स्ट डे मैं सर्जरी के लिए गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा टेस्ट जो था वो पॉजिटिव आया। उससे पहले जाने से पहले मैंने टेस्ट किया था और वो नेगेटिव आया था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो फेक था, किसी ने चीट किया था मुझे, और हॉस्पिटल में ब्लड टेस्ट के साथ उन्होंने जो PCR लिया था वो पॉजिटिव आया। तो उन्होंने कहा फिर हम नहीं कर सकते आपके लिए टेस्ट सर्जरी, आपको वेट करना पड़ेगा। फिर 5 दिन वेट किया, फिर कल आया था मैं, फिर दोबारा PCR किया, और आप लोग अच्छी वीडियो शेयर भी की थी, फिर अभी अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव आया, और आज मैं ही आया हूँ ट्रांसप्लांट के लिए वापस। तो अपना ट्रांसप्लांट वाली जर्नी आज से दोबारा कंटिन्यू करेंगे, और जैसे कि आपको दिख रहा है लास्ट टाइम जब मैं आया था कुछ भी नहीं था, और अभी बहुत सारा स्नोफॉल हो चुका है। अब मुझे डर ये है कि जैसे कि आप लोगों ने देखा कल वाली वीडियो में, मैं अच्छा खासा पिसला भी हूँ और एक ज़बरदस्त स्टॉकर का ये। तो अभी जब मैं वापस आऊँगा और मेरे बाल लगे होंगे, मैं उस तरह गिरना नहीं चाहता। और जो हॉस्पिटल का रास्ता है ये बिल्कुल बहुत बड़ा स्लोप है, बल्कि सारा रास्ता बहुत ज़्यादा बर्फबारी कल हुई, तो सारा रास्ता पिसला पिसली है। अब मुझे यही टेंशन है कि वापसी में आते वक्त कहीं पिसल ना जाऊँ। तो आई होप आज गूगल मैप वो नहीं दिखा रहा स्नो, थोड़ा धूप अगर लग गए रोड खाली हो जाएंगे तो वापसी में प्रॉब्लम नहीं होगा। लेट्स सी, अभी मैं हॉस्पिटल पहुँच गया हूँ। भैया मैं हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ से व्यू देखो। आखिरी बार अपने बालों को देख लो, अभी गंजा करने लगे मुझे। ट्रांसप्लांट इज डन अल्हम्दुलिल्लाह, और डिटेल में बात करेंगे। मैं जस्ट रूम पहुंचता हूं, और क्योंकि रास्ता अभी भी बहुत स्लिपरी है, आई हैव टू बी केयरफुल क्योंकि अभी रिस्क नहीं ले सकते। और फाइनली उसके बाद फिर मैं खैर खैरियत से घर पहुंच गया विदाउट एनी स्लिप। और आप प्रॉब्ली सोच रहे होंगे कि ये मेरी आवाज़ मेरे लिप्स के साथ मैच क्यों नहीं कर पा रहे। वो इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि इस वीडियो का ऑडियो में फॉर सम रीज़न रिकॉर्ड नहीं कर पाया। मैंने रिकॉर्ड तो किया था लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। अभी मैंने जब देखा उसके साथ वॉइस ही नहीं है, तो अभी मैं मजबूरन उस पर डब कर रहा हूँ,
और मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या क्या बोला था, ताकि मैं आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें सेम एग्जैक्ट शेयर करूँ, जो कि पॉसिबल नहीं, बट आई विल ट्राई। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस के बारे में, मैं कैसे फ़ील कर रहा हूँ तुर्की में हेयर ट्रांसप्लांट करके। तो मैं बहुत ज़बरदस्त फील कर रहा हूँ और अमेजिंग एक्सपीरियंस था, लिटरली मतलब अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। और स्पेशली मैं क्लिनिकाना के स्टाफ के बारे में बात करना चाहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल स्टाफ था। मैं और ये एग्जेजरेट नहीं कर रहा, मतलब एक एक स्टाफ आपको मतलब बिल्कुल घर जैसे फीलिंग आएगी। घर जैसे तो खैर फीलिंग नहीं आएगी, घर में ट्रांसप्लांट कहाँ होता है, बट बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस। और नेक्स्ट, जैसे कि मैंने बताया था कि ये मेरा जो हेयर ट्रांसप्लांट होगा, ये कोई इतनी मेजर सर्जरी नहीं होगी, इतना बड़ा ट्रांसप्लांट नहीं होगा, मतलब मैं इतने ज़्यादा ग्राफ्ट्स नहीं लगाऊँ, क्योंकि मेरे ऑलरेडी अच्छे खासे ग्राफ्ट्स है और मैं जस्ट डेंसिटी फील कर रहा हूँ। तो इस हेयर ट्रांसप्लांट में, जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने मेरे हेयर लाइन पे, उन्होंने अच्छा खासा काम किया, हेयर लाइन पे बहुत सारे बाल लगा दिए। और जैसे कि अभी आप देख रहे हो, ये बिल्कुल सेंटर में क्राउन एरिया जो है, इसके थोड़ा नीचे जहाँ पर मैंने मेरा थोड़ा डेंसिटी कम, जैसे कि मैंने दिखाया भी था आप लोगों को पिछले वीडियो में, तो वहाँ पे अच्छे खासे बाल लगा दिए, बहुत ही ज़्यादा। उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मतलब जहाँ पर मुझे बाल चाहिए थे एग्जैक्टली वहाँ लगा दिए। और हेयर लाइन पर काम किया, जो कि हेयर लाइन एक्चुअली मेरा ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा था, लेकिन जो इन्होंने इस पे काम किया, उस डॉक्टर ने मुझे बताया भी था कि ये हेयर लाइन अब भी, मतलब फ्यूचर में जो कि आपके कुछ नेचुरल बार इस दरमियान से गिर जाएंगे, तो जब फिर क्लोज और ज़्यादा लाइट में कोई देखेगा या फिर क्लोज करीब से कोई देखेगा, तो फिर बहुत डेंसिटी कम नज़र आएगी। तो अभी से इन्होंने हेयर लाइन पर अच्छा खासा काम किया, ताकि फ्यूचर में ये ज़बरदस्त दिखे। और आई डोंट नो मैं कैसे साउंड कर रहा हूँ, बहुत अजीब अजीब और जल्दी जल्दी बात कर रहा हूँ, बट एनीवे मैं अपने वीडियो को सामने देख रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि वो एक बंदा क्या बोल रहा है, ताकि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ कि यहाँ पर मैंने क्या बोला था, बट मैं रिमेंबर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी ग्राफ्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो क्लिनिकाना में डॉक्टर साहब ने मुझे ये बताया था कि ग्राफ्ट्स हम, मतलब ग्राफ्ट्स के बेस पे हम पैसे चार्ज नहीं करते और ग्राफ्ट्स के बेस पे हम ट्रांसप्लांट नहीं करते। जो बंदा आता है उसको जितने ग्राफ्ट चाहिए होते हैं उनकी डेंसिटी फिल हम करते हैं, ग्राफ्ट्स में हम कंजूसी नहीं करते, बट फिर भी वो बता देते हैं एट द एंड आपके कितने ग्राफ्ट्स लगे। तो मेरे जो ग्राफ्ट्स लगे हैं तो वो है 2,200। बाकी यहाँ पर इस वीडियो में ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अभी काफ़ी थक चुका हूँ और मैं सोने जा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो चुका है और मैं काफ़ी थक चुका हूँ वहाँ पर सर्जरी में। और कल मैं जाऊँगा हेयर वॉश के लिए, आप लोगों के साथ हेयर वॉश का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मैं देखना चाहूँगा कि ये यहाँ पर हेयर वॉश कैसे होगा, और मेडिसिन के बारे में भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें, नीचे कमेंट्स कर, कमेंट्स में आप क्वेश्चन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी मुझसे पूछ सकते हो, और अगर कोई ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन हो तो ऑफकोर्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिनिकाना का व्हाट्सअप, ई मेल और उनका वेबसाइट नंबर, वेबसाइट दिया हुआ है, आप प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वेश्चन उनको कर सकते हो। आई एम श्योर वो आपका हेल्प करेंगे और आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। मुझे अपने दुआओं में याद रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।